प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की और इसके 9 साल पूरे हो गए हैं। इस कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IIM बेंगलुरु ने एक रिसर्च की है, इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात करते हैं, जिसमें वो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देश की जनता को संबोधित करते हैं, देश हित और सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। और अब मन की बात कार्यक्रम ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 अक्टूबर 2014 से ये कार्यक्रम लगातार टेलीकास्ट हो रहा है। अभी हाल ही में 105वां एपिसोड पूरा हुआ। अब इन्हीं 105 एपिसोड पर गहन रिसर्च की गई है और वो रिसर्च भारत के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IIM बेंगलुरु ने की। इस रिसर्च में मन की बात कार्यक्रम के जरिए समाज में बदलाव और लोगों के जीवन पर पड़ने वाले असर को लेकर विश्लेषण किया गया। रिसर्च में प्रोग्राम को बेहद ही दमदार बताया गया है और शोध में सामाजिक जीवन में आए परिवर्तनों का स्थायी प्रभाव का आंकलन किया गया है। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। इसमें लिखा है, आज मन की बात के 9 साल पूरे होने पर यहाँ SBI और IIM बेंगलुरु की ओर से एक दिलचस्प रिसर्च सामने आई है, जो कार्यक्रम में बताए गए कुछ विषयों और उनके सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे हमने कार्यक्रम के जरिए कई जीवन यात्राओं और सामूहिक प्रयासों का जश्न मनाया है। ये भी सामने आया है कि मन की बात पर पीएम अगर किसी मुद्दे का जिक्र करते हैं तो उसका गूगल सर्च इंजन पर ट्रैफिक अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पर इन मुद्दों की सर्चिंग ज्यादा बढ़ जाती है। इन कार्यक्रमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योग, खादी, मुद्रा लोन, मिलेट यानी कि मोटे अनाज शामिल हैं। सरकार ने जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद गूगल में इसे लोगों ने काफी सर्च किया। 14 दिसंबर 2014 को मन की बात में पीएम मोदी ने योग का जिक्र किया। इसके बाद योग का गूगल सर्च वॉल्यूम बढ़ गया। खादी की लोकप्रियता में भी मन की बात एपिसोड का अहम योगदान रहा। मन की बात के साथ खादी को काफी लोकप्रियता मिली और साथ ही बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी गई। केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन योजना शुरू की थी। सबसे अधिक लोकप्रियता कोविड-19 की शुरुआत के साथ मिली। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी लोगों से जुड़ते हैं, ज्वलंत मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री की आवाज और विचारों को भारत के जन जन तक पहुँचाना है। रेडियो की देश के कोने कोने तक पहुंच की वजह से कार्यक्रम को लोगों से जुड़ने का माध्यम रेडियो को बनाया गया। हर महीने कुछ चुनिंदा कॉल प्रसारण का हिस्सा बन जाते हैं। अब इस कार्यक्रम पर शोध कार्य भी किया जा रहा है, जो सीधे सीधे आम जनमानुष के जीवन से जुड़ा है। ऐसे में रिसर्च में ये सामने आया है कि कार्यक्रम के जरिए पीएम न केवल जनता की मन की बात सामने लाते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में भी काफी बदलाव आता है। 30 अप्रैल 2023 को इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।